नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 48वां जन्मदिन शहर से लेकर देहात तक बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉक बरौली अहीर की ग्राम पंचायत नौबरी में ग्राम प्रधान स्नेहलता यादव की मौजूदगी में, वहीं छात्र नेता महिपाल यादव की मौजूदगी में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 48वां जन्मदिन मनाया गया, जहां केक काटकर बच्चों को वितरित किया गया। वहीं इस मौके पर उन्होंने फलों का भी वितरण किया। महिपाल यादव का कहना है कि 2022 में सपा की सरकार एक बार फिर अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनेगी। इसके लिए वह दिन और रात उनकी टीम घर घर गांव गांव जाकर अखिलेश यादव की सरकार में हुई उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं सपा नेता सुरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन मणाकुर में किया गया। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। जानिए क्या बोले स्नेहलता आज अखिलेश जी का जन्मदिन है, जो कि हमने बच्चों के साथ मनाया है। उम्मीद करते हैं कि 2022 में अखिलेश की सरकार होगी। छात्र नेता, आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का 48वां जन्मदिन है। आज 48वां जन्मदिन हमने आज बच्चों के साथ केक काट के मनाया है और आज हम ये प्रेरणा देते हैं आने वाली 2022 में सरकार बनाएंगे और हम पूरी मेहनत करेंगे और जो अखिलेश जी ने काम किए थे उनको काम को लेकर जनता को आगे उनको संदेश फैलाएंगे और इस सरकार को बनाने का काम पूरी जनता करेगी और आपके मीडिया के माध्यम से हम अपनी कार्यशैली अपने किए कार्यों को माननीय अध्यक्ष जी ने जो काम किए थे लैपटॉप कन्यादान आदि जो काम किए थे उन कामों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और अपनी उपलब्धियां गिनाएंगे और जो इस समय विपक्ष में सरकार बैठी हुई है इससे लोग परेशान हैं और उनकी इस समय जो जनता दुखी है और आने वाली सरकार 2022 में अखिलेश यादव जी की बनेगी। मेरा नाम मनोज शर्मा है, मैं ग्राम नौबरी ग्राम पंचायत का रहने वाला हूँ, ब्लॉक अहिर बरौली से। आज अखिलेश यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, इनका 48वां जन्मदिन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। जैसे कि हम जो अखिलेश यादव जी ने जो संकल्प लिया है हम उनके साथ हैं, उनके साथ संघर्ष करेंगे और उनकी जो कार्य प्रणाली है उनको लेते हुए हम यूपी में जो नारा है उनका, यूपी जो चाहती है बदलाव का नारा है, जनता जो चाहती है कि भारत सरकार यूपी में बदलाव आना चाहिए, उसी बदलाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार बन रही है और बहुत भारी बहुमत के साथ हम लोग सरकार बना रहे हैं। 22 में 22 की आएगी, कोई रोकने वाला नहीं है। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि गाँव-गाँव जाके शहर शहर जाके हर घर को जोड़ेंगे, हर एक कार्यकर्ताओं को जोड़ेंगे जिससे कि हमारी पार्टी मजबूत हो। पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज 48वां जन्मदिन ताजनगरी आगरा में शहर से लेकर देहात तक बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह था, वहीं पदाधिकारियों ने सदस्यता अभियान भी चलाया। इस वक्त हमारी मौजूदगी है ब्लॉक बरौली अहिर की ग्राम पंचायत नौबरी में। नौबरी में ग्राम प्रधान स्नेहलता यादव एवं छात्र संगठन के नेता महिपाल यादव ने आज यहां बच्चों के साथ मिलकर अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया और बच्चों को फल एवं केक वितरण किया। वहीं आपको बता दें कि शहर भर में जन्मदिन की धूम रही और सभी कार्यकर्ताओं का कहना है कि 2022 में अखिलेश की सरकार बनाना है और उसी के लिए उनकी योजनाओं को घर घर तक पहुँचाना है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।